औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, अज दी साडी जिहड़ी वीडियो दा टॉपिक आ उह क्लास बी ए पंजाबी। इहदे अंदर आपां रीड आउट करांगे हाफज़ बरखुरदार उहनां दी बोहल नमाज़ पौनियां चार पियां फर्ज़ां दियां। लैट स्टार्ट, शुरू करदे हैं। इहदे दो बंद बंदे, ठीक है, ए दोवां दी आपां जिहड़ी तशरीह करांगे ते इहनां दा मतन भी जानांगे। अव्वल वक्त पहचानना, नंबर एक, नमाज तों पहलां दे फर्ज ऐ ने कि अव्वल वक्त पहचानना। दूजा, जुस्सा पाक करना। त्रीजा, कपड़ा पाक रखना। चौथा, जागा पाक करनी। पंजवां, धनी तां गोड्यां तकर कुजना मर्दां नूं ते औरतां गुलामी नूं पेट फुट मर्दां नालों उत्ते असीलां। औरतां नूं सर तां गिटियां तक हत्थां पैरां नूं गिटियां ते वहनी बाजों फर्ज़ ऐ। छेवां, मूँह किबले वल लिआउणा। सतवां, नीयत करनी। अठवां, तकबीर औला आखनी। इहदा जिहड़ा आपां अगर पिछड़ करांगे, ये बोहल नमाज फिका दे मसायल बारे एक आम किताब सी जिहदे विच मुख्तलिफ फिकी मसायल बारे सां लफ्ज़ां राहीं समझाया गया सी। इस तहरीर विच हाफज़ बरखुरदार रांझा ने नमाज दे फर्ज़ां बारे बड़े आसान ते आम फहम अंदाज नाल दस्या है। हाफज़ बरखुरदार रांझा ने ज़्यादातर शरी मसलियां बारे लिखा है। इस नसरी टुकड़े विच उन्होंने नमाज फर्दां बारे दस पाई है, यानी सानू दस्या है। वो दसदे ने कि जिहड़े काम नमाज वास्ते फर्ज़ ने वह इंज ने कि पहला वक्त होवे, नंबर दो, यानी नमाज अपने वेले तो पहला या बाद विच नहीं पढ़ी जाती। दूजा, पढ़न वाले का जिसम पाक होवे ते वह नहाता धोता होवे। तीजा, फर्ज़ है कि उहदे कपड़े भी पाक होण। चौथा है कि जिहड़ी थां नमाज पढ़ी जाए वह थां भी पाक साफ होवे। नमाज का पंजवा फर्ज ये कि नमाज पढ़न वाले मर्द धुनी तो गोड्यां तिकर का हिस्सा ढकया होया होवे, जबकि जनानी होण दी सूरत विच दो गल्लां ने। जे तां जनानी कनीज़ है तां उहदे उत्ते फर्ज है कि मर्दां दा जिन्ना जिसम कुजिया जांदा है उहदे विच ओह पेट ते छाती भी शामिल करे, जबकि आज़ाद औरतों वास्ते हुक्म है कि नमाज पढ़न वेले वो अपने सर तो लैके गिटियां तक ते हत्थां पैरां नूं ढक के रखन। उन्हां दे गिटियां तो थले दा हिस्सा ते हाथ ही बाहर रह सकते ने। नमाज दा छेवां फर्ज ये कि नमाज पढ़न वाले दा मूँह किबले वल होवे, उहदे वास्ते नमाज दी नीयत करनी भी जरूरी है। ते अठवां फर्ज ये कि वह पहली तकबीर भी आखे। हुण बे देखदे आ हिस्सा नमाज दे अंदर जिहड़े फर्ज होंदे, वह फर्ज जिहड़े नमाज दे ने वह दस ने। अव्वल क्याम करना, दूजा करात पढ़नी, तीजा रुकू करना, चौथा सजदा करना, पंजवा मुक्ता पिछला करना, छेवां तरतीब मुहक्कम रखनी। अंदर इन्हां कम्मां दे जे एक एक वारी आउंदे होण अंदर हर रकत दे, या एक वारी आउंदे हैं अंदर सारी नमाज दे, सतवां बाहर आउणा नमाजी दा अपने कम नाल। ओह नमाज फिका दे मसायल बारे जानकारी देने वाली बड़ी किताब थी। इस किताब वे सादा ते आम फहम लफ्ज़ां राहीं लोगों नूं मसायल समझाने गए। ये जिहड़ा पैराग्राफ आ हाफज़ बरखुरदार रांझा दी तहरीर बोहल नमाज पौनियां चार पाइयां फर्ज दियां विचों लिया गया है। जैवें नमाज पढ़न तो पहलां कुछ फर्ज हुंदा ने, इंज ही नमाज पढ़न दे दौरान भी कुछ फर्ज ने। हाफज़ बरखुरदार रांझा दसदे ने वह फर्ज गिनती विच सत ने, जिन्हां विचों पहला ये कि रकू ते सजदे करना भी जरूरी हुंदा है। इंज ही
कायदा करना यानी इत्तहियात विच बहना भी फर्ज है। एक होर फर्ज ये कि ये सारे काम जे एक एक वारी आउन तां इन्हां दी तरतीब भी उही रखी जाए जिहड़े मरूफ ते जानी पहचानी है। इस तरतीब नूं बगैर नमाज अदा नहीं हुंदी। सतवां फर्ज उन्होंने ये दस्या है कि नमाज पढ़न मगरों नमाजी अपने जाती कम्मां कारां लई मस्जिद तो बाहर आ जाए। ये थे सी अज दा बेटा वीडियो दा लैक्चर बोहल नमाज, जिहदे विच मैं तुहानू नमाज दे अंदर फर्ज ते नमाज पढ़न तो पहलां दे फर्ज बड़े तफसील नाल दस्से। उम्मीद करदा कि तुहानू समझ आ गई होगी। अपनी दुआ दे विच याद रखियो। फी मान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।